नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत राज करस घाट में और हमारे साथ है यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका कार्यकाल पिछले कितने वर्षों से है? 2016 से हमारी माँ यहाँ पे मुखिया निर्वाचित हैं। 2016 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने पंचायत के विकास के लिए, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी हम लोग जोर तोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ा सा लचर व्यवस्था थी यहाँ पे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जन वितरण प्रणाली की। हम लोग इस पे मजबूती से काम कर रहे हैं और सबसे अहम एवं सबसे हमारे लिए एक तरह से कहें तो हमारी जनता के लिए बहुत ही लाभकारी योजना जो मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना है, उस पर हम लोग खूब जोर तोर से काम कर रहे हैं और जनता इसका लाभ उठा रही है। मुन्ना जी, आपके बारे में हम लोगों ने पता किया है तो आपका जो प्रोफाइल है काफ़ी एजुकेटेड प्रोफाइल रहा है और आपने पता चला कि आप एयरफोर्स रिजाइन करके और फिर जनता की सेवा में एक इस तरह का प्रोफाइल, एक इतना रॉयल जॉब आपने रिजाइन करके और जनता की सेवा में आप लगे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना इसके पीछे मोटिव नहीं हो सकता है, ये बात हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर पैसा कहीं नहीं है और उससे बेहतर चीज़ और रॉयल जॉब कहीं नहीं है। तो ये चीज़ आपने, चूंकि अभी इस तरह की नौकरियां लोगों की हो नहीं रही है और आपने उसको रिजाइन करके और जनता की सेवा में आप कंटिन्यू लगे हैं और आप पार्टी स्तर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या खास आपका मोटिव क्या है? देखिए, मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में हम मातृभूमि की सेवा के लिए गए हुए थे, मातृभूमि की सेवा भी मैंने की। मैं कारगिल की लड़ाई में भी सेवा में था, मैं विदेश में भी जाके कांगो में भी काम किया था, यूएन मिशन में। हमें सेना में सिखाया जाता है सबको एक साथ एक बराबर देखना है, हमें ये भी बताया जाता है साथ ही साथ कि ईमानदारी और निष्ठा से अपने सेवा को करना है। मैं वहाँ पे सेवा कर रहा था, मैं बहुत दिनों तक सेवा किया, लेकिन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरे पंचायत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है। मैं उस भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए ये उचित समझा कि मातृभूमि की लड़ाई तो मैं कर ही रहा था और कर ही लिया, थोड़ा अपने जन्मभूमि की लड़ाई की को भी जाके करूं और अपने जन्मभूमि पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको भी मैं मिटाऊं, यह सोच करके। और मैं अपने सेना से त्याग पत्र देके यहाँ पर आया और यहाँ पे भी मैं लड़ाई भ्रष्टाचार का लड़ रहा हूँ। और ये भी एक मैं बात बता दूँ, मैं सेना से नौकरी तो छोड़ दिया हूँ लेकिन आज भी मेरा दिल हमेशा बॉर्डर पर ही है। एक बड़ी बात है आपके लिए, मतलब कि हमारे न्यूज़ की तरफ से भी आपको मतलब कि सलूट करने का मन कर रहा है, चूँकि आप एक सेना के जवान रह चुके हैं और हैं भी, अभी भी हैं, और अगर इस तरह की लेटर्स अगर आपके पास अभी भी आ रही हो तो आप आज भी तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना जो है वो हर दिल को छूने वाली योजना है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना एकदम 100% धरातल पर सफल है। जैसे निचले पैदान के लोग, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो कभी नहीं सोच सकते थे कि हम 400 फीट नीचे का पानी पिएंगे, हम अपने घरों में नल का प्रयोग करेंगे, नल जल का योजना जो सात निश्चय के तहत आया उससे वैसे लोगों ने भी लाभ उठाया, वैसे लोगों ने भी नल जल योजना का लाभ उठाया जो कभी नहीं सोचे थे कि हम 400 फीट का पानी पिएंगे, हम फिल्टर वाटर का यूज करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि नल जल योजना है हमारा, ग्रामीण पक्की का जो योजना है हर घर नली गली, नली गली बनाने से हमारे घर गांव में घर घर में नली बनाने से सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि जो गंदगी थी हमारे गरीब, खास करके जो गरीब लोग थे जो स्वच्छता का निर्माण नहीं कर सकते थे, गरीब लोगों को पानी गिराने का एक जगह मिला, पानी निकलने लग गया, गरीब के बस्ती में गंदगी कम हो गया जिससे बीमारियाँ कम हो गई। साथ ही साथ सड़क का बहुत बड़ा समस्या हुआ करता था, मेन रोड तो बन जाता था लेकिन गाँव की सड़कों के लिए का स्थिति बहुत ही बदहाल था। तो जो गली नली योजना आई उससे हमें पक्कीकरण कराने का मौका मिला और ग्रामीण उससे लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सात निश्चय योजना जो है ये एकदम पक्का 100% सफल है। आपके पंचायत में जन वितरण प्रणाली की क्या खास स्थिति है? क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि समाज में गरीब तबके के जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको राशन नहीं मिल रहा है समय से तो फिर वो भूखे रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये आपका कहना सही है, जन वितरण प्रणाली योजना के तहत ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अनाज उठाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। मैं जब नौकरी में था सुना करता था, तब उस टाइम में इस पंचायत का मुखिया कोई और था, मैं होली की छुट्टी में आया था यहाँ जन वितरण
की व्यवस्था इतनी लचर थी कि होली के समय भी राशन का वितरण नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं मनीष जी, उसका क्लिप भी है मेरे पास। उस टाइम में मैं आकर के एक मुहिम चलाया और मैंने ये ऐलान किया कि अगर सरकार वितरण नहीं कराती है जन वितरण से, तो मैं खुद मैं सभी लोगों को होली के टाइम में बीपीएल वालों को राशन दूंगा अपने तनख्वाह से। तो बहुत मशक्कत के बाद यहाँ पर राशन वितरण हुआ। मैं उसी समय में ठान लिया था कि जब मैं इस पंचायत की सेवा के लिए आऊँगा तो सबसे पहले मैं जन वितरण को सुधारूंगा, क्योंकि जन वितरण के माध्यम से ही गरीब को अनाज मिलना है और गरीब के घर का चूल्हा जलना है। ये बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन आज हमने इस पर काम किया और हमारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। समय से उठाव और वितरण हो जाता है और हम लोग हमेशा सतर्कता समिति की मीटिंग करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं वो राशन उठाते और बांटते हैं। पंचायत में शिक्षा और चिकित्सा की क्या खास व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, पंचायत में पर्याप्त मात्रा में विद्यालय है और शिक्षक भी करीब करीब सभी विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में है, तो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है। तो मनीष जी, स्वास्थ्य के मामले में मैं कहूँ तो हमारा पंचायत तो बहुत भाग्यशाली था कि हमारे पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। 2018 के 26 जनवरी को इसका उद्घाटन भी हुआ था माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक बिहार में डॉक्टरों की कमी की वजह से हमारे उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं आए, जिसके वजह से वहाँ की व्यवस्था लचर है और लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी और नर्सों की कमी की वजह से बहुत ही समस्याएं हैं, लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। और स्वास्थ्य के बारे में भी, हालांकि इसके लिए भी मैं इस मुद्दे को उठाता रहता हूँ बीच बीच में और कई जगह पर लिखा गया है, लेकिन हर जगह से अभी तक यही जवाब मिल रहा है कि डॉक्टरों की कमी है, बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाए। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं अपने दोनों माननीय सरकार से आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे बिहार में डॉक्टर की बहाली की जाए, चाहे संविदा पे ही जो हमारे डॉक्टर डॉक्टरी का पढ़ाई करके BAMS हैं, MBBS हैं, वो लोग आए हुए हैं, उनको संविदा पे ही रख के और जल्दी से जल्दी सभी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों का जो अस्पताल है उसमें डॉक्टरों को पदस्थापित किया जाए ताकि लोग इससे से लाभ, अपना स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। हम बात कर रहे थे यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना कुमार जी से। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन संतोष पांडे के साथ आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज़।